डॉक्टर मुकेश कुमार, डीओ ऑफिस नालंदा। आज जो है 26 नवंबर है, जो कि नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हर्षोल्लास से पूरे बूढ़े जवान सभी ने यह ठान लिया है कि हमको नशा से मुक्त रहना है, किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करना है। शराब हो या नशाखोरी की कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। और जन जन तक, गांव गांव तक, बच्चों बूढ़े जवानों के बीच में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। शिक्षा विभाग को यह दायित्व दिया गया है कि सारे स्कूलों, कॉलेजों, प्रतिष्ठानों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, प्राइवेट निजी सारे स्कूलों में ये अभियान चलाया जाए, जिसको सक्सेसफुली तरीके से हमारे डीओ साहब के नेतृत्व में, श्री केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हम लोग कार्यक्रम सफल किए हैं। आज सुबह में प्रभात फेरी निकाला गया, जिसे यह संदेश देना के कोशिश की गई कि सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सारे जवान सभी जो है आज शपथ लें कि हम लोगों को शराब से नहीं पीना है और किसी प्रकार का नशा को नहीं निकालना है, लेना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा मुकेश सर, अब हमारे बीच में अजय कुमार सर हैं, उनसे संदेश लेना चाहेंगे कि नशा मुक्ति के ऊपर वह क्या संदेश देते हैं। जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि आज सुबह ही माननीय उप विकास आयुक्त और हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर श्रम कल्याण केंद्र से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जो सोगरा विद्यालय में आकर समाप्त हुआ। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है नशा मुक्ति के विषय पर ही, जिसमें चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इस नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि जो नशा है वो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। और जब तक हमारे बच्चे, जैसा कि हमारे डीडीसी महोदय भी ने कहा था कि जब तक शिक्षक और बच्चे जागरूक नहीं होंगे और जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे पूरे समाज स्तर पर, तब तक नशा मुक्ति असंभव है। तो मेरा नाम अजय कुमार हुआ, उच्च माध्यमिक विद्यालय साटोपुर। और अंत में यही कहेंगे कि शराब वर्जित हर्षित बिहार। शराब जहां वर्जित होगा वहां हमारा बिहार हर्षित और उल्लासमय होगा। और अभी भी हमारे बिहार में 2500 मैंने लोगों की मौत हो रही है तंबाकू से। आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक है ये नशा। तो हम सभी समाज के लोगों से, एक शिक्षक होने के नाते, ये अपील करते हैं कि वे नशा ना करें और ये शपथ लें कि ना हम नशा करेंगे, ना किसी लोगों को, दूसरे लोगों को करने देंगे, और जागरूकता फैलाएंगे नशा के विरुद्ध। बहुत सुंदर अजय सर। अब हमारे बीच में शैलेंद्र कुमार जी हैं। शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जो प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, उससे क्या संदेश बच्चों के बीच देना चाह रहे हैं। देखिए, नशा मुक्ति जो है हमारे समाज में एक कोढ़ के रूप में जो है फैल रहा है। इसको दूर करने के लिए जो है नशा मुक्ति यहाँ अभियान चलाया गया है, और इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग और पूरे जिला के सभी पदाधिकारी जो हैं नशा मुक्ति किस तरह से मुक्त हो नशा से, इसके लिए जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इसे रैली वगैरह निकाल करके, उसके बाद निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, अनेक माध्यमों से हमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नशा से लोग मुक्त रहे। और नशा से अगर मुक्त होगा तो हमारा एक स्वच्छ और बढ़िया समाज जो है का निर्माण होगा। और मैं शैलेंद्र प्रसाद, जिला समन्वयक साइंस फॉर सोसाइटी नालंदा। यानी यह संदेश आप देना चाहते हैं कि नशा को मिटाना होगा, नशा को मिटाना होगा, बिहार को बढ़ाना होगा। लोग घर से चोरी करते हैं या छीना झपटी करते हैं, बहुत सारे देखते होंगे रास्ते चलते अपराध। बच्चे अभी जाकर व्यवहार न्यायालय में देखिए, बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हैं नशा के सेवन में। इस तरह से सभी बच्चे हमारे जो यहाँ आज इस अभियान से जुड़े हुए हैं, इसमें अपने विचार निबंध द्वारा भाग लिए, वाद विवाद द्वारा भाग ले रहे हैं। अपने उनका कर्तव्य है अपने घर परिवार पड़ोस साथ साथ अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के तक, हर एक माता पिता तक ये आवाज पहुंचाना कि नशा कितना खतरनाक चीज है। बाबू, क्या आपने लिखा आज निबंध? खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका, किस विद्यालय से है? इस कानून को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लागू किया। इसे हम देखते हैं कि सब ठीक है, सभी लोग। बेटा आप बताइए किस विद्यालय से हैं?
मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं राजकीय उच्च विद्यालय से आई हूँ। अच्छा, आपने क्या निबंध में किन बातों का जिक्र किया है, कुछ मूल बातों को बताएं। आज नशे की लत में बिहारी नहीं बल्कि पूरा भारत झुलस रहा है। युवा बुजुर्ग महिलाएं एवं अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। हर राष्ट्र का युवा पीढ़ी उसकी शक्ति होती है। अगर यही युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ जाए तो वह राष्ट्र स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। वैसे तो हमारे भारत को संस्कृति में सबसे ऊंचा रखा गया है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी संस्कृति नीचे दबी जा रही है। और आज यहाँ नालंदा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को निबंध प्रतियोगिता दिया गया है, जो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार सरकार, उनके द्वारा जो पूर्ण नशाबंदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी का दो टॉपिक है, उच्चतर बच्चों के लिए और प्राथमिक बच्चों के लिए, जिसमें एक निबंध का जो शीर्षक है शराब वर्जित बिहार हर्षित। आज की युवा पीढ़ी है वो इसको महसूस करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन आने वाला समय में इसको वो खत्म करके रखेंगे। सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन वहाँ पर सिगरेट ही उसको पीता है, तो वास्तविकता उल्टा है, जो दिखता है वैसा है नहीं। इसलिए हम सभी भी एक शपथ लेंगे कि कभी भी नशा के तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। आप लोग सभी लोग हाथ ऊपर उठा के शपथ लीजिए कि नशा की तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कितने बच्चे नहीं करेंगे नशा? चलिए स्वस्थ बिहार, नशा मुक्त बिहार। धन्यवाद। हमारे प्रतिभागी बच्चे उपस्थित होकर मध्य निषेध पर सुसज्जित निबंध लिखे हैं। भाषा की शुद्धता, शब्द का संग्रह, उसमें युक्तियां, उसमें श्रुतियां और उनकी मौलिकता, ये सब निबंध में रहा है। और निबंध में जो भी चीज होना चाहिए उन सबसे निबंध प्रकाशित है। तभी तो विशेषज्ञों को लगातार माथा पेची करना पड़ा कि फर्स्ट कौन आ सकता है, सेकंड कौन आ सकता है, थर्ड कौन आ सकता है। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, समाज खूबसूरत बनेगा। जिस जिला का, जिस राज्य का भाषा मजबूत हो गया, भाव मजबूत हो गया, विचार मजबूत हो गया, उसके आचरण को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिसका आचरण मजबूत होगा उसको आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारा बच्चा जो है ये आधार है और इस आधार पर अब नालंदा खड़ा है। नालंदा बढ़ेगा, नालंदा चरित्रवान बनेगा। नालंदा चरित्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा इस उजड़े वातावरण में, इस उजड़े मेला में देगा और पूरे दुनिया को नालंदा एक बार फिर समझाएगा कि आचरण की शुद्धता से ही तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आचरण में यदि पवित्रता नहीं है तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे बगल का देश चीन वायरस छोड़ के कर ले, चाहे पाकिस्तान का देश अपने में लड्डू लड़ा के कर ले, चाहे और जो देश है वो हमारे अध्यात्म के सामने टिकने वाला नहीं है। और जिसके पास अध्यात्म है उसी के पास चिंतन है, जिसके पास अध्यात्म और चिंतन है उसको मजबूत होने से, उसको सफल होने से कोई डिगा नहीं सकता है। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच टीबीटी के भाई गौरव जी हैं खड़े और ये आदर्श शिक्षक हैं। बिंद जैसे सुदूर विद्यालय में जाकर के अध्यापन कार्य किए हैं और नालंदा की गरिमा को पूरे बिहार में दौड़ाए हैं। कोरोना काल में जब सब ठिठुरा हुआ था, सटका हुआ था, उस बेला में ही मुझे रजाई खींच खींच करके और सड़क पर ला रहे थे। डीओ साहब को रात में 11 बजे जगाए। आज मनोज बाबू नहीं रहे लेकिन उनके द्वारा स्थापित और उनके द्वारा जो संदेश दिया हुआ रहा, यह टीबीटी इतना फलदायी होगा कि इसके अलग कोई इसकी आवाज को पूरा भारत सुनेगा, पूरा भारत जानेगा। आज नहीं है लेकिन टीबीटी अलग जगा रहा है भाई गौरव जी, और ये घोषणा करेंगे कि कौन बच्चा हमारा फर्स्ट आया है और कौन बच्चा सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है। धन्यवाद। सभी बच्चों ने काफी बेहतरीन निबंध लिखा है लेकिन यहाँ पर एक औपचारिकता होती है कि किसी को तीसरा, किसी को दूसरा, किसी को पहला स्थान देना रहता है, तो एक मूल्यांकन होता है। तो हमारे बीच में उमेश जी हैं, दहित सर हैं और डॉक्टर सत्येंद्र सर हैं, जो अपने विषय के काफी ही जानकार हैं। उन लोगों ने इतने सारे निबंध में से 3 निबंध को
विभिन्न पहलुओं से समझते हुए छाटा है और आज 3 बच्चों को चुना गया है। तो मैं बताना चाहूंगा जिस बच्ची का नाम लेंगे वो बेचारी वो खड़ी हो जाएगी और 3 नंबर से ही और जो भी अन्य बच्चे हैं कृपया ताली बजाकर जोरदार अभिनंदन करेंगे। आप सभी ट्रिपल क्लैप जानते हैं बजाना, तो उस ट्रिपल क्लैप की आवाज जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय तक जानी चाहिए। इतना आप में जोश होना चाहिए, कर लो पहले। इतना आप में जुनून होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि जो आप ताली बजाते हैं वो अभी एक प्रकार का एक्यूप्रेशर है। अगर आप दिन भर में कभी भी ताली बजाते हैं जब आप फ्री होते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो शरीर के अंग हैं, जो नशे हैं, वो सारी नशे खुलती हैं। ये वैज्ञानिक पहलू मैं बता रहा हूँ। तो जब भी मौका मिले ताली बजाइए और जोरदार ताली बजाइए, खूब हंसिए, खुश रहिए। तो हमारे बीच में मद पान बंद घर घर आनंद को लेकर जो निबंध लेखन किया गया उसमें कृषिराज RPS मेमोरियल स्कूल के कृषिराज जी हैं, यहाँ पे खड़े हो जाएं। कृपया जोरदार तालियों से इनका आगे आइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृषिराज जी हैं, इन्होंने काफी बेहतरीन निबंध लिखा है। और नेक्स्ट जो दूसरी कड़ी में दूसरे स्थान पर जो आए हैं वो हैं ब्रज लता कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय साखोपुर। ब्रज लता कुमारी आई है, बच्ची जो है बाद में गई है, बढ़िया विद्यालय जगह। उसको बुला के लाइए, तब तक हो गया है तो लेके आ। ब्रज लता कुमारी इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया ब्रज लता जी ने। और जो RPS के बच्चे हैं कृष राज जी, इनका तृतीय स्थान है। अब मैं आपके बीच में जिसने प्रथम स्थान पाया है, जिसका निबंध आप खुद भी देख सकते हैं काफी बेहतरीन से लिखा है उन्होंने और लगभग 4 पन्नों में उसको समाहित करते हुए सजाते हुए अपनी बातों को मद्यपान पर रखा है। तो इनको हमारे जो अभिभावक गण हैं उन सभी ने ढूंढते हुए प्रथम स्थान दिया है। यह नाम है अनीशा कुमारी का, मध्य विद्यालय कंगसराय की बच्ची अनीशा जी हैं इसमें। अनीशा कुमारी बेटा आगे आओ, कृपया सभी लोग जोरदार स्वागत करें। तो अब जो है द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची जो है ब्रजलता कुमारी आ गई है उच्च माध्यमिक विद्यालय साठोपुर से। आपसे निवेदन है कृपया जोरदार तालिक से इनका अभिनंदन करें। ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है।